होती है। इस वर्ष की अपनी आकर्षक एवं मनोहारी झांकी। ये देखो, ये सीता की चूड़ियां हैं। वो अवश्य ही इधर से गई है। हम ठीक मार्ग पर हैं। लगता है वो उस पापी से जूझते हुए गई है जिससे उसके आभूषण इधर उधर बिखर गए हैं। हाँ भैया, ये ठीक मार्ग है, चलो आगे चले। कवन राक्षस पर प्रहार करने वाले वीरों, तुम दोनों कौन हो? सच बताओ, क्योंकि संसार में केवल दो ही वीर ऐसे हैं जो मेरी बाहें काट सकते हैं। ऐसे कौन से वीर हैं वो? श्री राम और लक्ष्मण। मैं ही राम हूं भाई। यदि आप मुझे गड्ढे में डालकर मेरे इस शरीर का दाह करोगे, परंतु हम तुम्हें जीवित कैसे जला दें? हे राघव, इससे तुम्हें कोई दोष नहीं लगेगा। मैं धनु नाम का गंधर्व हूँ। पूर्व काल में मैं बाबली और पराक्रमी था, इतना सुंदर कि इंद्र, सूर्य और चंद्र की भांति मेरा शरीर मनोहर और तेजस्वी था। फिर भी मैं कौतुक के लिए भयानक राक्षसी रूप धारण करके ऋषि मुनियों को डराया करता था। उसमें मुझे आनंद मिलता था। एक दिन स्थूल शिरा नाम के एक तेजस्वी महर्षि वन में मिले। उनकी महत्ता जाने बिना मैंने उन्हें बहुत सताया। वो कुपित हो गए। उसी समय जल हाथ में लेकर और अग्नि को साक्षी करके उन्होंने मुझे श्राप दिया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि ये भयानक रूप ही सदा तेरे लिए तेरा असली रूप हो जाए और तू राक्षस वृत्ति से ही जिए। मैंने उनके चरण पकड़ लिए, विनती की कि इस श्राप से मुक्त होने का उपाय बता दे। तब उन्होंने कहा, हमारा श्राप विफल नहीं जा सकता, किंतु हम तुम पर दया करके बताते हैं। जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण सहित यहाँ आएंगे और वो तुम्हारी दोनों विशाल भुजाएं काटकर यदि अपने हाथों से शरीर का दाह संस्कार करेंगे तो फिर से तुम्हारा सुंदर स्वरूप और दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाएंगे। एक बार मेरा इंद्र से युद्ध हुआ। दीर्घ जीवन का वरदान प्राप्त होने के कारण वो मुझे मार तो नहीं सका, परंतु इंद्र के वज्र प्रहार से मेरा सिर और दोनों टांगे मेरे कबंध में ही घुस गई। तब से मेरा शरीर केवल कबंध मात्र रह गया है। अच्छी बात है लक्ष्मण, तुम गड्ढा खोदकर चिता तैयार करो। चल गया भैया। हे राघवेंद्र, आप धन्य हैं। आपकी करुणामयी दृष्टि के कारण मैंने पूर्व के समान अपना सुंदर शरीर पुनः प्राप्त किया है। अब मैं अपने दिव्य ज्ञान से जो देख सकता हूँ वो सुनाता हूँ। रावण देवताओं के कोषाध्यक्ष महागंधर्व कुबेर का छोटा भाई है। पुलत्स्य ब्रह्म का पौत्र और ऋषि विशर्वा का पुत्र है। ब्रह्मा से वर पाकर वह दिग्विजयी हो गया है। वो दानवों अर्थात पूर्व देवताओं का राजा है। वही आपकी भार्या को लेकर दक्षिण दिशा में गया है। जहां वो गया है वहां तक मेरी दृष्टि नहीं जा सकती, परंतु मैं जो देख रहा हूं मैं बताता हूं। दक्षिण की ओर जाने पर आपको एक परमवीर वानरों के राजा सुग्रीव मिलेंगे। उनसे आपकी मित्रता होगी। वो सीता जी की खोज करने में आपकी सहायता करेंगे। सुग्रीव इस समय ऋष्यमूक पर्वत पर रहते हैं। आप शीघ्र ही उनके पास जाइए और उनसे मित्रता कीजिए। मैं देख रहा हूं कि अंत में आप रावण पर विजय पाएंगे। परंतु ऋष्यमूक पर्वत तक जाने का कौन सा मार्ग है? आप पश्चिम दिशा को होते हुए दक्षिण प्रदेश के कई पर्वत और नदियों को पार करके पंपा सरोवर नाम के सुंदर सरोवर पर पहुंचेंगे। वहां महामुनि मतंग का आश्रम है। उनके तपोबल के प्रभाव से उस आश्रम के निकट जाने से ही प्राणी में हिंसा की समस्त वृत्तियां स्वयं ही नष्ट हो जाती हैं। मतंग मुनि नहीं रहे, परंतु उनकी एक परम शिष्या महातपस्विनी शबरी अब भी वहां रहती है। वो अपने गुरु की आज्ञा अनुसार आपके आगमन की प्रतीक्षा कर रही है। वो आपको भगवान मानकर नृत्य प्रति आपकी पूजा करती है। जब आप उससे मिलेंगे तो वो आपको महाबली सुग्रीव तक पहुंचाने का आगे का मार्ग बताएंगी। हे राम, आप शोक न करें, आप अवश्य विजयी होंगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। चौकी का प्रदर्शन देखें। अब तुम्हारे ख्याले व तुम साथियों कर चले हम पिता जनता साथियों। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों कर चले हम फिदा। ये तो मेरे स्वामी की निशानी है। जो भी मेरे स्वामी का संदेश लेकर आए हैं वो कृपा करके मुझे दर्शन दे। माता, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। मैं पवन पुत्र हनुमान श्री राम प्रभु का एक सेवक हूँ। माता, मैं प्रभु श्री राम का संदेशा लेकर आया हूँ। आपको विश्वास दिलाने के लिए यह मुद्रिका जो प्रभु ने निशानी के लिए भेजी है, इसे देखो। मां, शंका न कर, मैं सचमुच श्री राम का दूत हूँ। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास हो गया है। मुझे ऐसी कोई आशंका नहीं। मैं चाहती हूँ कि रावण को मारकर मुझे मुक्ति दिलाने का यश श्री रघुवीर को मिले। तुम केवल उनसे इतनी ही प्रार्थना करना कि अब हमें विलंब न करें। अब तुम जाओ, कोई पहरेदार आ जाएगा। भगवान, मैं उनसे नहीं डरता। नहीं, उनसे लड़ने में अगर तुम्हें कुछ शक्ति पहुंची तो समुद्र लांघना कभी हो सकता। मेरी चिंता न करो, मुझे आज्ञा दे कि जाने से पहले मैं कुछ कौतुक कर जाऊं। अच्छा बात, श्री रघुवीर का नाम स्मरण करके अपना कर्तव्य पूरा करो। माँ, मुझे भूख भी लगी। उस वाटिका में सुंदर सुंदर फल, यहीं से आरंभ कर। पहले फल खाऊंगा, फिर वाटिका का विध्वंस करूं। कोलाहल सुनकर चिंता नहीं करना। अच्छा। से कौन तू? तू कौन है? हम यहाँ के रखवाले हैं। ये लंका के महाराजा रावण की विशेष बगिया है। तू नहीं जानता मैं अयोध्या के महाराजा श्री रामचंद्र का विशेष सेवक हूँ। ये तो बड़ा ठीक बंदा है। पकड़ो इसे। महाराज, अशोक वाटिका में एक ऐसा विराट विचित्र वानर घुसाया है जिसने सारी वाटिका उजाड़ डाली। वो पेड़ ऐसे तोड़ता है जैसे कोमल फूलों की डाली। वाटिका उजाड़ डाली तो आपके पहरेदार वहां क्या कर रहे थे? वानर के रूप में यह कोई अपूर्व शक्तिशाली जीव प्रकट हुआ है। इंद्रजीत, जाओ अपनी पूरी शक्ति से आक्रमण करो और ऐसी युक्ति करो कि वो वानर काबू में आ जाए। ऐसा ही होगा महाराज, उसे देखने की जिज्ञासा हो रही है हमें। आप चिंता न करें, तपस्वी विजयी हो। जय श्री राम, जय लंकेश। अशोक वाटिका में इतना उत्पात मचा रखा है। उत्पात तो तुम्हारे सैनिकों ने मचा रखा था, मैं तो केवल अपनी भूख मिटाने के लिए वाटिका में फल खाने आया था। जानते नहीं हमारे राज्य में चोरी का दंड बड़ा भीषण है। चोरों की थाली राजा की वाटिका में आने का अपराध कर सकते हैं। यदि इस राज्य में चोर को दंड दिया जाता है तो पहला दंड तुम्हारे पिता को मिलना चाहिए जो चोरी से एक अबला स्त्री को उठा लाया है। जिस वाटिका को तुमने उतारा है उनके पति लोग तेरे जीवन की अवधि पूरी हो चुकी। दरबार में पहुंचा देना। लंकेश महाराज की जय हो। इस सोने से नहीं लगते बोल वाला, किसके बलबूते बच्चों ने हमारे सुंदर रूपन को उजाड़ दिया। मैं समुद्र लांग कर आया। श्री दुर्गा पूजा नवयुवक समिति कटहाई रोड पंसारी टोला की तरफ से ये आपके सेवा में प्रदर्शन किया जा रहा है। कृपया शांति बनाकर प्रदर्शन का आनंद लें। मेरे भैया देखे ना प्यार नहीं।